अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिजा शोएब एंड आई वेलकम यू टू ब्रेकिंग वीकेंड। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फेसबुक पर लाइव आई थी और मैंने आप सब लोगों को याद कराया था कि आप लोगों ने 6 बजे ट्यून इन करना है एयरवा जिंदगी पर और शो देखना है। तो जितने भी लोग इस वक्त फेसबुक फैन स्पेशली मेरे इस वक्त शो देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से अ वेरी बिग हाई। और आप लोग जो भी मैसेजेस भेजना चाहते हैं वो मुझे फेसबुक के पेज पर भेज सकते हैं। और जिसने अभी तक ब्रेकिंग वीकेंड का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है वो फौरन से जाए और लाइक करें। यहाँ पेजेस की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं ये बात करती, चलो जिसके लिए मैं पूरा हफ्ता इंतजार करती रही हूँ, और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया। मतलब आई वॉज सो सिक ऑफ फेक पेजेस एंड स्टफ। अच्छा, एक तो वो अकाउंट होता है जो फैन पेज लिखा होता है उस पर या फैन क्लब लिखा होता है उसके ऊपर, लेकिन एक वो अकाउंट होता है जिस पर ऑफिशियल अकाउंट भी लिखा होता है और साथ साथ जो है और भी सारी बातें हो रही होती है फैंस के साथ साथ। और मतलब मेरे दोस्तों को भी वो मैसेजेस करते हैं और फॉलो भी करते हैं। मतलब इतनी मेहनत, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत भी एक्टिव हूँ वो बता देती हूँ कि कौन से अकाउंट पर हूँ। एट द रेट होता है ना, FIZAASHOAIB, कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, कुछ नहीं है, FIZAASHOAIB। आज मैं शो के बाद जो है दोबारा से अपना अकाउंट पब्लिक कर दूंगी और आप लोगों को यही बताना था, मैंने इसी का वेट करी थी कि शो जब होगा तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर करके उसके बाद मैं पब्लिक करूंगी। बात करेंगे और चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज के हमारे शो में क्या है। इन दिस एपिसोड राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन्स। हाँ जी, तो ये था हमारा इन दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में इससे और ज़्यादा बहुत कुछ है, बहुत सारी गॉसिप्स हम करेंगे। हमारी गेस्ट आज की जो है वो मौजूद हैं सेट पर, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि वो कौन है, क्योंकि हमेशा हम लोग सेकंड सेगमेंट में अपने गेस्ट को एंटर करते हैं और फिर आप लोगों से मिलवाते हैं, उनसे करते हैं बहुत सारी मज़े की बातें। आप लोगों का पूरा वीक कैसा गुजरा आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोग के वीकेंड प्लान्स क्या है वो भी मुझे बता सकते हैं। अच्छा, शो से पहले आई वाज लाइक हाय मेरी तबीयत ख़राब है, कोई मुझे ये ला दे, कोई मुझे दवाई ला दे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ मैंने आप लोग को बोला था ना कि मेरी एनर्जी वापस से आ जाएगी। और जितने भी मेरे स्नैपचैट फैंस हैं या फिर वो फैंस हैं जो मेरा स्नैपचैट जानना चाहते हैं वो है FIZA161। बहुत सारी पब्लिसिटी हो गई अपने सारे अकाउंट्स और पेजेस की। अब चलते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की तरफ। हॉलीवुड मूवीज़ जो कि February 24th को रिलीज़ होने वाली हैं, उनमें सबसे पहले है गेट आउट। तो गेट आउट का ट्रेलर देखते हैं, विच इज़ एन अमेरिकन हॉरर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जॉर्डन। सो लेट्स सी व्हाट द ट्रेलर इज़ अबाउट। वैसे इस मूवी के ट्रेलर में मुझे कुछ हॉरर लगा नहीं, या तो फिर शायद आवाज़ कम आ रही थी या फिर मैं अपने फ़ोन में बिजी हो गई थी। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, सबके नाम लूँगी, लेकिन सबसे पहले जो है सारे ट्रेलर्स आप लोग को दिखा दूँ ताकि आप लोग प्लान कर सके कि आप लोग कौन सी मूवी देखेंगे आफ्टर February 24th। द नेक्स्ट मूवी इज़ रॉक डॉग, विच इज़ अ चाइनीज अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म। चलते देखते हैं इसका ट्रेलर। येस, सो दिस वॉज रॉक डॉग। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे तो ये कॉमेडी भी है और चाइनीज़ भी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, जैसे कि मैं बहुत चूज़ी हूँ मूवीज़ को लेकर। मैं हमेशा अपने टाइप की मूवीज़ देखती हूँ, उसके अलावा मैं मूवीज़ देखती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे मेकअप रूम में भी पूछ रहे होते हैं तुमने वो मूवी देखी, लेकिन मैंने नहीं देखी भी होती वैसे, और हमेशा मैं लेट मूवी भी देखती हूँ। अच्छा, अभी मज़े की बात सबसे ज़्यादा क्या हुई इस वीक में कि मैंने देखी एक मूवी जिसका एंड मैंने जो है अनइंटेंशनली अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाल दिया, ठीक है ना। और मतलब मैं काफ़ी सैड थी उस एंड को लेके, उस मूवी के एंड को लेके, कि हीरो जो है वो मर गया उस मूवी में। एंड वो चीज़ मैंने अपना स्टेटस डाल दिया कि यार वो क्यों मरा एंड में, लाइक डिड आई वॉच अ मूवी फॉर लाइक 2 आवर्स टू वॉच द हीरो डाई। तो उसके बाद मेरे पास इतने सारे कॉमेंट्स आए कि आपने मूवी का एंड डाल दिया, हम लोगों ने ये मूवी देखनी थी। एक्चुअली आई थॉट आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू वॉच द मूवी, लेकिन मुझसे भी लेट कमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा भी होता है, मेरे दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। तो आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू, मैंने ये सोच बिल्कुल भी डाला था कि मैं आपकी मूवी खराब करूंगी, बट खैर अब तो हो गई। मजीद स्टोरी के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स ऑन योर स्क्रीन। जी, तो ये मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। आई माइट वॉच दिस मूवी और माइट नॉट, बट आप लोग डिसाइड कर सकते हैं ट्रेलर्स देख के, क्योंकि हमेशा ट्रेलर देख के आइडिया हो जाता है कि मूवी कैसी होगी। तो आप लोगों को जैसा भी आइडिया हो, आप लोगों को ट्रेलर पसंद आए तो आप लोग वो मूवी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ, जो कि अगेन February 24th को रिलीज़ हो रही है, विच इज़ बिटर हार्वेस्ट। लेट्स सी व्हाट दिस इज़। अच्छा, ये थोड़ी लड़कियों की टाइप की मूवी लग रही है मुझे, विच इज़ अ रोमांटिक ड्रामा फिल्म। सो लेट्स सी व्हाट द ट्रेलर इज़ ऑल अबाउट।
यस, तो ये थी वो सारी मूवीज जो फरवरी 24 को रिलीज हो रही हैं। साथ साथ मैं अपने स्नैपचैट फैंस का नाम लेना चाहती हूँ। अच्छा, अरूज ने मुझे मैसेज किया, प्लीज़ आप मेरा एक काम करेंगी। मैंने कहा जी बताइए, मेरा नाम ले ले शो पे। तो अरूज तनवीर, आपका नाम मैंने फाइनली ले लिया है। तबस्सुम मुझे मैसेज करती है, शी इज़ फ्रॉम KSA आई गेस, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी पूरी फैमिली का नाम ले, आई थिंक उनके बच्चे और उनके हस्बैंड ही हो सकते हैं, अब्दुल्ला, तबस्सुम, खुर्रम एंड तूबा। सो हाई टू ऑल ऑफ यू, आप लोग मेरा शो इतनी दूर से देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड यू गाइज कीप मैसेजिंग मी एज वेल। अच्छा, मेरा फ़ोन ज़रूर लॉक हो जाता है जल्दी। अमारा इजहार ने अभी अभी मुझे फॉलो किया है, फवाद मुझे मैसेज कर रहे हैं, फातिमा मुझे मैसेज करती हैं, और कहाँ गया ये, ऑलराइट, आयशा, अलीजे, नबील, बिलाल, तूबा खलील, माजिद शेख एंड तूबा सिद्दीकी। सो देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे नाम मैं कैसे लूँ जल्दी से। मेरे प्रोड्यूसर साहब भी कहते हैं यार बस कर दो, चलो ब्रेक का टाइम हो गया, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टिक टू ब्रेकिंग, वी कैन नॉट बी राइट बैक। बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन, और अब जो है वो सेगमेंट है जहाँ मैं मिलवाती हूँ आपको हमारे गेस्ट से, जो हर वीकेंड एक नई पर्सनालिटी होते हैं और हमेशा कुछ बहुत मज़ेदार सी बातें होती हैं उनके साथ, कुछ नई नई चीज़ें पता चलती हैं उनके साथ, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल मॉर्निंग शो, सो वी डू डिफरेंट थिंग्स हेयर। और मिलवाती हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी, प्यारी सी एक्ट्रेस हैं जो कि हमारे ड्रामों में काम कर रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है फूल बरस रहे हैं। सो इट्स नॉन अदर देन सवन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। योर वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। और ये बात सच है कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपको किस किस आपको पता होगी ये बात, है ना? मुझे लोग कहते हैं लेकिन कभी हावी नहीं होने दिया इस बात को, क्योंकि मेरी फैमिली में सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं। और एक तो आवाज़ की क्वालिटी होती है, साथ में एक तहजीब होती है बोलने की, एक फ्लो होता है, और आज तो ऐसा लग रहा होगा कि एक मर्द और एक खातून बैठी हैं क्योंकि मेरी आवाज तो इतनी फटी हुई हो रही है ना, खास खास के पिछले दो हफ्तों से। खैर एनीवेज, ये बताइए कि हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन दीस डेज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस मुझे भी वही खांसी का स्पेल चल रहा है जो शायद कराची में फैला हुआ है। आपकी आवाज से आइडिया बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छा, ओके। और क्या चल रहा है? बहुत सारा काम चल रहा है, 4 ड्रामों की रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली चल रही है, जो वैसे मैं कभी नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ स्केड्यूल्स यू नो इस तरह से मिसमैच हुए कि अब वो 7 डेज वीक में काम कर रही हूँ, एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता है, तो बहुत हेक्टिक है। बल्कि अम्मी अब्बू का कभी कभार फोन होता है कि बेटा तुम्हारी शक्ल भूल गए हैं, घर आके मिल लो जी। सो आई थिंक इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा समन, यू आर मैरिड, आपने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारा अरसा गुजारा है, दुबई में भी, अमेरिका में भी, और अमेरिका में आपने अपनी पढ़ाई की, वहीं पे आपकी शादी हुई, तो कैसी जर्नी रही, किस तरह आप एक्टिंग की तरफ वापस आई, हाउ वाज इट? द जर्नी वॉज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। जब मैं पाकिस्तान से गई थी पढ़ने के लिए तो मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था कि मेरी शादी वहीं पे हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मैंने तो हमेशा सोचा था, वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज? नहीं, इट वॉज एन अरेंज मैरिज। ओके। एंड उसके बाद पढ़ाई हुई, शादी हुई, फिर कुछ अरसे बाद औलाद हुई, और बीच में देन आई स्टार्टेड परस्यूइंग अदर टैलेंट्स ऑफ माइन। ओके। मैंने पाकिस्तान से कपड़े डिज़ाइन करना शुरू किए, एंड आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड में फर्स्ट ई कॉमर्स स्टोर टू सेल फैशन क्लोथ्स। क्या बात है। उस वक्त दो वेबसाइट्स थी, एक amazon.com थी, एक मेरी थी, और वो किताबें बेचते थे और मैं कपड़े बेचती थी। अच्छा। और मुझे सबने कहा था कपड़े ट्राई किए बगैर, छुए बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता। कपड़े मतलब exactly, और मैं काफी अरसा पहले की बात कर रही हूँ, और उस टाइम पे तो वो होता था कि दर्जी के पास जाके एक एक मेजरमेंट जो है वो देख देख के पहनने। एग्जैक्टली। लेकिन इससे हुआ ये कि बिकॉज इट वॉज अ ग्लोबल बिजनेस, तो लोग जो अलास्का जैसी जगह पे भी रह रहे थे, जिनको पाकिस्तानी कपड़े चाहिए थे, यू नो, वो मुझसे ऑर्डर करके, एंड फॉर देम इट वॉज अ बिग रिलीफ। तो ग्लोबल स्प्रेड आउट उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मतलब आपने बिजनेस भी कर लिया, आपने शादी भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, उसके बाद आपने एक्टिंग भी कर ली, कुछ रह गया? मतलब कौन कहता है कि पाकिस्तानी औरत जो है वो किसी से कम है या अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर सकती? बिल्कुल फिजा, और इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत इनकरेज एंड सपोर्ट किया है। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि एक्टिंग की तरफ दोबारा आई, मैं पहली दफा एक्टिंग की तरफ आई, पहली दफा एक्टिंग की तरफ, बिकॉज़ इनिशियली जब मैं मीडिया में थी आई वाज अ होस्ट एंड एंकर पर्सन। ओके। एक्टिंग तो घर में चलती थी ना, घर वालों के सामने। अच्छा, तो आपको क्या ज्यादा इजी लगा, होस्टिंग या एक्टिंग? एक्चुअली क्योंकि मैं एक वो इंसान हूँ जो लोगों के इंटरेक्शन पे थ्राइव करता है, दोनों मेरे लिए सिमिलर रहे, बिकॉज दोनों इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, एंकरिंग में ये होता था कि सीधे कैमरे में देख के यूं बात करनी थी, और एक्टिंग में इजाजत ही नहीं है कैमरे की तरफ। बिल्कुल इजाजत ही नहीं है कैमरे की तरफ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, तभी मैं कहती हूँ कि शायद मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा इतना कैमरा कॉन्टैक्ट रहता है कि मतलब वो तो एक दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, मगर दोनों में जो है आप सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल।
सही है। अच्छा आप सोशल मीडिया कितना यूज करती हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जी। ट्विटर यूज करती हैं? जी करती हूँ। सीरियसली? अच्छा तो फॉलो करती हैं सेलिब्रिटीज को जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं? हाँ, जो कोई ऐसा हॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके पीछे यू क्रेजी? हाँ, अब जिंदगी की दास्तान सामने आ रही है। टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, ओह माय गॉड, बचपन से क्रश है उस पे, अभी तक चेंज नहीं हुआ। नहीं, कोई और नहीं आ सका उसकी जगह पे। ओके, नो मैन कैन स्टैंड क्लोज टू। सो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम? उनकी तो अभी डिवोर्स भी हुई थी रिसेंटली, है ना? वो बहुत ही रहती है शादियां और डिवोर्सेस हॉलीवुड में, मैं उस पे फोकस नहीं करती हूँ। दुख हुआ था या खुशी हुई थी? नहीं, नाइदर ऑफ। देखो, जब भी एक फैमिली ब्रेक करती है तो उसमें खुशी की बात तो नहीं होती है, बट खुशी इस बात की थी कि ओके, ही इज नाउ एबल टू फोकस ऑन हिज वर्क। जब नई नई शादी हुई, टू सी हिम मोर। एग्जैक्टली, बिकॉज मैं उनकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की इतनी डाई हार्ड फैन हूँ कि मतलब जब वो टीवी पे चल रही होती रिपीट पे, देखनी जरूर है। आई हैव लॉस्ट काउंट कि मैं कितनी दफा देख चुकी हूं। सो व्हाट डू आई लाइक अबाउट हिम? वैसे तो वो काफी क्रेजी भी है, काफी यू नो इनसेन हरकतें करते रहते हैं, लेकिन जितने स्टंट्स हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं। दैट्स फैसिनेटिंग। दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। सही बात है। तो आपको पता चल गया कि इनका जो लेटेस्ट, मतलब बचपन से लेके अब तक जो क्रश है, जो अपनी जगह पर कायम है, वो टॉम क्रूज है। जी। अच्छा, ट्विटर की अगर बात करते हैं तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम लोग ट्वीट शामिल करते हैं, सेलिब्रिटी ट्वीट, और उनके बारे में बात भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, बिकॉज ट्विटर इज फॉर दैट, राइट? तो सबसे पहले ट्वीट शामिल करते हैं हरीम फारूक की। हरीम फारूक ने कुछ लिखा नहीं है, बट शी इज पोस्टेड अ पिक्चर ऑन ट्विटर। Okay, that's a pout. Do you pout? Do you like to pout? No, I don't like to pout. Okay. कभी कभार फ्रेंड्स के साथ अगर यू नो सेल्फी खींचती हूँ तो उसमें वो पाउट हो जाता है इनेविटेबली, क्योंकि फ्रेंड भी कर रही होती है, बट यूजुअली आई लाइक टू पोस्ट पिक्चर्स जिसमें पूरी बत्तीसी नजर आ रही हो। अच्छा, दैट्स लवली। आपकी है भी बहुत प्यारी, माशाल्लाह से। अच्छा, बोलते हुए आपकी बत्तीसी बहुत प्यारी है, ये बोलते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा था। चलिए जी, नेक्स्ट ट्वीट शामिल करते हैं हुमैमा मलिक की। वो लिखती है, आई एम इनडिस्ट्रक्टिबल, नो व्हाई, बिकॉज गॉड इज ऑन माई साइड। दैट्स सो लवली। It is lovely, and Humaima is also indestructible because she has a wonderful brother by her side by the name of Firoz. Seriously? बिल्कुल, बहुत support करता है। हाँ, family अच्छी है, मतलब बहन भाई आपस में जो है सारे। बहुत ज़्यादा। When you're well knitted family, तो वाकई आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ achieve कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती। बिल्कुल, है ना? You're strong as ever. Okay, महविश हयात की tweet शामिल करते हैं। महविश हयात लिखती हैं, When you're killing time on shoot before the scene, पंजाब नहीं जाऊंगी। ओके, डू यू डू दिस? क्योंकि आप भी ड्रामों में काम करती है, तो अपने शॉट का वेट करते हुए ऐसे ही बस सेल्फीज लेना शुरू कर देती हूँ। बहुत से ड्रामों में हमें इजाजत नहीं होती कि हम अपनी लुक रिवील कर सकें, यू नो, बिफोर द प्ले गोज ऑन एयर, तो उसमें नहीं कर पाती। फिर वो फोन में ही रह जाती होंगी ना? फिर वो फोन में रहती है जब तक टीजर्स नहीं चलने लगते चैनल पे, फिर उसके बाद फटाक 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 यू नो बिहाइंड द सीन्स की तस्वीरें। फाइनली वो वाली तस्वीरें कहाँ हैं? ढूंढो ढूंढो उनको सब डाल दो। बिल्कुल, दैट्स लवली। अच्छा, रमीज राजा की पोस्ट शामिल करते हैं ट्वीट, व्हिच इज सन्स आउट, typical shiny Sharjah pitch today, all we now need is Brendan Blitz to warm up the crowds and light up HPL PSL. Okay, shiny to thi, लेकिन कल वहाँ बारिश भी हो गई थी। जी, बारिश हुई है कल यूएई में, दुबई में। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सब ने पोस्ट किया हुआ था, इट्स रेनिंग, वाइपर्स ठीक करो, एंड आई एम लाइक कराची भी थोड़ी बारिश हो जाए ना। यूएई में बारिश हो रही है, और जब जितने भी मेरे यूएई में फ्रेंड्स हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, आप लोग मुझे खूब तपाते रहते हैं फेसबुक के ऊपर, और पिक्चर्स आ रही होती है ना बाकायदा, मतलब सालों में आपने अपनी पिक्चर भेजी हो या नहीं भेजी हो, बारिश की पिक्चर जरूर भेजनी है, है ना? स्पेशली व्हेन दे नो कि कराची का मौसम जो है वो बहुत अजीब सा है, बट हम भी दुआ कर रहे हैं कि कराची के हालात भी ठीक हो और मौसम भी ठीक हो, है ना? ओके, सलमान अहमद की ट्वीट शामिल करते हैं। वो लिखते हैं, कॉन्ग्रेट्स टू फेयरलेस पाकिस्तानी इम्यूनाइजेशन वर्कर्स फॉर रिड्यूसिंग पोलियो 99.9% इन टू ईयर डिस्पाइट टेररिस्ट अटैक्स। अच्छा, ये पोलियो की जगह आप लोगों ने पोलो लिख दिया था। ओके, पोलियो ही है, सही है, पोलियो फ्री पाकिस्तान। ओके, ये चीजें करते रहते हैं सलमान अहमद जो है ना, हर चीज में ही इज एक्टिव इन ऑल गुड थिंग्स। बहुत अच्छी बात है ये कि यू नो जहाँ पे आप अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को लेकर और ह्यूमेन लेवल पे सोशल इश्यूज को सपोर्ट कर सकते हैं, सलमान अहमद है, एहसन खान इज अनदर पर्सन, यू नो शहजाद रॉय ने बहुत किया है, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको लोग आइडियलाइज करते हैं तो वो आपकी कही बात पे अमल भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स लवली। आप बोलती इतना प्यारा है ना कि आप जब बोल रही होती है तो आपकी बात सुने बगैर बस आपकी आवाज़ दिमाग में चलती रहती है। सीरियसली, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ओके, उर्वा लिखती है, आई लव यू पाकिस्तान, गेट वेल सून,
और ये एक बड़ी ही अच्छी ट्वीट है और बहुत ही शॉर्ट सी प्रिसाइज सी ट्वीट है जिसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम भी यही कहेंगे कि गेट वेल सून, सूनर देन सून, राइट? है ना? और हम पाकिस्तानी बहुत रेजिलिएंट लोग हैं, हमने बहुत कुछ देखा है और उससे रिकवर करके पहले से बेहतर होके सामने आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप बोलती इतना अच्छा है, आपकी आवाज अच्छी है, तो आप गाने वाने गाती हैं? मैं गाती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी और बहुत ट्रॉफीज भी जीती, बट यू नो देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग। और जब आप रियाज ना करें और प्रैक्टिस ना करें तो आपकी वोकल टोनालिटी वो नहीं रहती है। बात करने में तो फिर भी यू नो उतार चढ़ाव गुनगुनाती रहती हैं घर में गाती नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा गाती हैं और मेरे नाना बहुत ही आला पाए के क्लासिकल म्यूजिशियन है, तो उनके सामने अगर एक सुर भी इधर से उधर हो तो मेरी तो शामत आ जाएगी। अच्छा वाकई, किस तरह डांट पड़ती है कभी अगर कुछ गलत गा दिया, सुन लिया उन्होंने तो? आप देगची मल रही हैं क्या स्टील के साथ जो इस तरह की आवाज निकल रही है आपके हलक से? दिस इज लवली, मुझे आपके घर आना है, मुझे आपके घर वालों से मिलना, मतलब इतने प्यार से भी जलील करने का एक तरीका ही होता है ना। ये हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता वैसे, लेकिन मैं अक्सर ऐसा कर लेती हूँ कि यू नो हंस हंस के अपनी बात कह जाना और बड़े प्यार से। दिस इज अ टैलेंट, व्हाट डू यू से? आई एग्री, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो समझदार होते हैं वो चुप हो जाते हैं और जो ना समझ होते हैं वो अगले चार महीने सोचते रहते हैं कि वो बात उसने कॉम्प्लीमेंट की थी या ये मेरी इज्जत थी या मेरी या मेरी इस्लाह थी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलते हैं गॉसिप्स की तरफ। गॉसिप करने का शौक है आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं गॉसिप नहीं करती। मैं इसलिए नहीं करती कि आज अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ तो कल मेरे बारे में भी लोग बात करेंगे जो शायद मुझे नागवार गुजरे। अच्छा ये वाला सीन है, लेकिन आज हम आपसे गॉसिप्स करवाएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते हैं समन आज कैसे गॉसिप करती है। विल बी राइट बैक इन अ शॉर्ट ब्रेक। जी तो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आई लव हर एक्टिंग। कनीज फातिमा लिख रही है आई लव हर एक्टिंग एंड टेल हर टू डू मोर एंड मोर ड्रामास। ओह थैंक यू कनीज। या थैंक यू कनीज, और आप शो भी देखती हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ सुहेब अब्बास भट्टी जो है वो मुझे मैसेज करे जा रहे हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। इंसान हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, माना कि आप मेरे भाई हैं लेकिन इतना नाराज होना भी नहीं बनता। अच्छा अब हमारा एक सेगमेंट है जो कि है बहुत मज़ेदार, जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है, वो ये है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स आपको बताते हैं, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपने करनी, और उसके साथ साथ हमने पब्लिक से भी वही सवाल किए हैं। अच्छा ठीक तो है। हम वो भी देखेंगे और देखते हैं कि आपको जवाब आते हैं कि नहीं। ठीक है। कहाँ गया मेरा वो वाला क्यू कार्ड? यस। सो डू यू नो माइक्रोस्कोप को उर्दू में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं मुझे नहीं मालूम, ट्राई तो करें। नहीं मुझे वाकई नहीं मालूम। ड्रामास में इतनी उर्दू बोलते हैं, खालिस उर्दू बोलते हैं। नहीं अब सलीस उर्दू कहाँ बोली जाती है कहीं पर, लेकिन माइक्रोस्कोप को हमने हमेशा लैब में माइक्रोस्कोप ही कहा था। माइक्रोस्कोप ही कहा था। अच्छा मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं शायद जवाब देती दूरबीन। हाँ, लेकिन दूरबीन तो बाइनोक्युलर होती है। बाइनोक्युलर को बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप को देखते हैं क्या बोलते हैं। हमने लोगों से भी यही सवाल किया, देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं? ये नहीं पता। माइक्रोस्कोप को उर्दू में क्या कहते हैं? हमारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। एक तो दूरबीन कहते हैं ना, एक तो छोटा जैसे सबसे वाला आसान वाला होगा। नहीं नहीं बच्चों को भी नहीं पता होगा। I have no idea. छोटा नहीं यस yes, बच्चों को भी नहीं पता होगा। हमारे बच्चे तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये सही है, खुर्दबीन। खुर्दबीन yes. सही ठीक है। तो अगली दफा कोई आपसे पूछे कि क्या कहते हैं, आप मुझे पता है, मुझे बताया था फिजा ने। मेरी नजरें आप पे खुर्दबीन के साथ हैं। अगला घबराई जाए है ना कि पता नहीं किस चीज की बात हो रही है। इनकी ये जो एक्टिंग एबिलिटी देख के जो है ना, मुझे एक और चीज दिमाग में आ गई है। प्रोड्यूसर साहब मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा मैच बॉक्स को उर्दू में क्या कहेंगे? माचिस की डिबिया। माचिस की डिबिया, लेकिन माचिस, माचिस वैसे उर्दू का वर्ड है? नहीं है, उर्दू का वर्ड नहीं है ये। मैचिस को माचिस बना दिया है। अच्छा हाँ मैचेस कर दिया है। फिर नहीं, उर्दू नहीं है। फिर नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम। यू हैव टू ट्राई ना। अब मैंने ट्राई किया, मैंने माचिस की डिबिया कहा। मतलब मैं होती तो शायद उसकी डंडी या उसकी ब्राउन पेपर या वो मसाला या कुछ करके कुछ जोड़ तोड़ के बना ही लेती मसाले वाली तीली या तीली या कुछ इस तरह से। अच्छा ओके उस किस्म की चीज। तो मतलब यू हैव टू गेस इट ना। आग मसाले वाली तीली, आग मसाले वाली, एक वो आला है आतिश जदगी। आलाए आतिश जदगी yes. ये कहते हैं मैच बॉक्स को? ये कहते नहीं है लेकिन ये मेरा वर्जन है। अच्छा फिर ठीक है, आलाए आतिश जदगी है ना। और क्या, चलो देखते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। माचिस को उर्दू में क्या कहते हैं? चले बताएं। तो माचिस ही है ना, उर्दू का ही लफ्ज है। नहीं इंग्लिश, इंग्लिश है ना। तिली नहीं, इंग्लिश तो मैचिस है। मैच बॉक्स इंग्लिश है।
मैं आपसे कुछ आज में सीख रहा हूँ, आप बताएंगे मुझे। उर्दू नहीं है यार, आपको दहलवी उर्दू तो मुझे नहीं आती, मगर माचिस को माचिस ही बोलते हैं हम तो। माचिस का डब्बा। माचिस सर देखो ना, तुम सोच ही रहो। हाँ माचिस का डब्बा है मेरे। नहीं बता मुझे, तुम तो माचिस ही कहते हो। आई डोंट नो। तीली। माचिस में ना ऐसे उर्दू का वर्ड है। दिल्ली का डब्बा। तीली का डब्बा वही बोलते होंगे। माचिस। नहीं माचिस का डब्बा। माचिस का डब्बा। डिबिया। डिबिया। माचिस। सबका जवाब माचिस है, पता है? आपका भी जवाब यही था तो गलत उलाम हुई ना ये बात, फिर सबका यही जवाब था तो ये अच्छी बात है। टू मेक योरसेल्फ फील बेटर। दिया सलाई। दिया सलाई। आइंदा आपको चूल्हा जलाने जाए ना तो बोलेंगे दिया सलाई लेकर आओ जरा, वो कहेंगे कौन सी सलाई? सिलाई मशीन। वाई सिलाई तो खैर हाथिंग के नीडल को कहते हैं। दिया सिलाई। दिया सिलाई, सिलाई जिससे दिया जलता है। हाँ ठीक है। ओके ओके अच्छा, इन्होंने इन्होंने मान लिया, अप्रूव कर दिया इन्होंने। अच्छा डिक्शनरी को क्या कहते हैं? दिस इज एन इजी लुगत। वाओ दैट्स लवली। देखते हैं लोग भी इतने समझदार हैं कि नहीं। डिक्शनरी को उर्दू में क्या कहते हैं? डिक्शनरी जो होती है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? तुम बहुत मेरी इम्तिहान ले रहे हो। डिक्शनरी। हां चल इतने हार्ड छट्टी। क्या कहते हैं? कमान 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 फिजिक्स। मतलब बच्चे जितने भी बड़े हो जाए अम्मा की जरूरत हमेशा पड़ती है। बिल्कुल हमेशा पड़ती है। और अम्मा तो मेरी वैसे भी एजुकेशनिस्ट है ना। ओके तो आपने फिजिक्स तो पढ़ी है ना? मगर मैंने फिजिक्स ही पढ़ी थी। फिजिक्स ही पढ़ी थी मैंने। अम्मा शो, अगर आपकी अम्मा शो देख रही है तो उनको बोलते हैं कि जल्दी से मैसेज करके बताएं इनको कि क्या कहते हैं फिजिक्स उर्दू में। ठीक है जब तक हम लोग ये पैकेज देखते हैं, देखते हैं मैसेज आता है आंटी आपका या नहीं। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस। फिजिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता ये सब मुझे। फिजिक्स को फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री को नहीं पता मुझे। नहीं पता। माइंड यू नो व्हाट दे कॉल फिजिक्स इन उर्दू? जल्दी 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 जल्दी। नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ गूगल इट। भूल गई मैं, मुझे आते हैं। आप बताएं ना। आप बताएं क्या फिजिक्स? नहीं पता। अच्छा साथ साथ मैसेजेस हो रहे हैं कि मुझे प्लीज बताएं डू यू नो व्हाट फिजिक्स इज कॉल्ड इन उर्दू? सो दिस इज तबीयत। 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 अच्छा ये मुझे भी नहीं मालूम था, पता है लिखा हुआ है टी ए बी आई वाई टी एल आई। आप सही तबीयत। अच्छा तबीयत बोलते होंगे। तबीयत। तबीयत बोलते हैं। ओके ये सीन है। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? यार बात सुनो, जब बुलाया था तो तुमने ये कहा था इस शो में बहुत मजा आएगा, तुमने तो मेरा उर्दू का इम्तिहान ले लिया। लेकिन आपका मजा कितना आ रहा है मेरी वजह से, आप कितना हंसी है आज, मतलब कितने आप खुशी से जाएंगी आज घर। हाँ नहीं वो तो मैं है ना, जब आप गाड़ी में बैठेंगी आप फोन करेंगी लोगों को, हाँ एक दो गाड़ियाँ शायद दे दे कि ये मेरे आज मेरे साथ इन्होंने ये किया है, लेकिन मजा बहुत आया। नहीं नहीं, नहीं वो तो कहेंगे कि समझ, हम तो समझते हैं तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून हो। आज यू प्रूव्ड अदरवाइज। वन आउट ऑफ सिक्स आता था। नो एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद पढ़ी लिखी, क्योंकि ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते ना नॉर्मल लाइफ में। तो फिजिक्स को तो आपने बता दिया, केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? देखते लोगों ने क्या जवाब दिया। केमिस्ट्री को उर्दू में केमिस्ट्री जो होती है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? क्या बताएं? ट्राई तो करें, कुछ तो ट्राई करें। खुशबू को लेकर आना चाहिए था, मम्मा को लेकर आना चाहिए था। उनको पता नहीं है? उनको पता होगा उर्दू में। नहीं अम्मी ने केमिस्ट्री पढ़ी थी यार। अच्छा लोग जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे, आपने फिर भी डिक्शनरी का जवाब दे दिया। लुगत कहते जी है ना, तो केमिस्ट्री का है कीमिया। कीमिया। यस ठीक है, कीमिया कहते हैं। सो दिस वाज अ वंडरफुल सेगमेंट, आई रियली लव्ड इट। अच्छा मैं अगर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दूं जी, तो वो आपको करके बताने कैमरे में देख के। कौन सा वाला? सामने वाला ही है। हाँ ये आपका कैमरा है। okay. आपको मैं एक्सप्रेशंस दूंगी और आपने वो एक्सप्रेशंस देने। एंग्री, अगर आप चाहें तो किसी लाइन के साथ आप उसको बोल सकते हैं या फिर बगैर किसी लाइन के। एंग्री, गुस्से में। ये कैमरा मुझ पे फोकस करेगा तो मैं एंगर दिखाऊंगी ना। ओह माय गॉड दैट्स लवली। अच्छा सैड। वाओ स्केयर्ड। हैप्पी।
Lovely, lovely. Yeah, I really liked it. आप लोग कैसे कर लेते हैं? This is true talent, पता है? शुक्रिया. True talent. चलें इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जब तक मैं ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूँ, we'll take a short break. You don't have to go anywhere. We'll be right back with Breaking Weekend. Welcome back once again to Breaking Weekend. समन अंसारी आज मौजूद है और मुझे इनके साथ बातें करना इतना अच्छा लग रहा है. आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर की. ब्रेक में भी हम लोग बस बोले जा रहे हैं ना आपस में, चुप ही नहीं हो रहे. वी हैव सो मच टू टॉक टू. अभी हमने नंबर्स एक्सचेंज किए हैं तो बाकी सारी बातें हम लोग प्रॉब्ली व्हाट्सएप पर या मैसेजेस पर कर सकते हैं. और मैं आपके घर जरूर आऊंगी. जरूर आई. आई एम नॉट समन हु विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स कि आजकल जो है अच्छा दोस्त सच्चा दोस्त कौन होता है और कौन नहीं होता, ये वैसे जज करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन बात करते हैं जॉनी आउटफिट्स की. जॉनी आउटफिट्स ने मुझे और समन को स्वेटशर्ट्स भेजी थी. मुझे तो बहुत अमेजिंग सी भेजी थी. एक तो मैंने सोचा है कि मैं शो में पहनूंगी, लेकिन सर्दियां ही चली गई ना, तो फिर मैंने सोचा कि बस अब पिक्चर डाल दूंगी. जॉनी आउटफिट्स आप लोगों के लिए मैं पिक्चर जरूर डालूंगी. थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग मी दोज. और अगर आप लोग चाहते हैं वो खरीदना या लेना तो आप लोग जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उनको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं. साथ साथ लेके चलती हूँ आपको अर्रिजाल की तरफ. देखते हैं कि क्या है अर्रिजाल. इस वक्त खड़ा हूँ इधर अर्रिजाल की शॉप में और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं. अच्छा, मैंने इनसे प्राइसेस पूछी, प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं और काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइंस हैं. डिज़ाइंस जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही बस मैंने तो डिसाइड कर लिया 3-4 सूट तो मैं आज ही इनसे ले रहा हूँ. इंशाल्लाह ताला मेरी साइज़ के अगर मिल जाए तो, वरना तो मैं इनसे सिलवा लूँगा. और प्राइसेस अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रही, जो नज़र आ रहे हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस है माशाल्लाह से. ऑल द टाइम जब भी कोई प्रायोरिटी बेसिस या कोई भी इवेंट होता है तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अर्रिजाल लॉन्जेरी, क्योंकि इनकी क्वालिटी स्टिचिंग वगैरह जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है. और अभी तक तो माशाल्लाह से किसी भी तरह को, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सेंटर ऑफ द सिटी पे इन्होंने ये आउटलेट लिया हुआ है, जहाँ पे इनका कंपटीशन से ऑटोमेटिकली जब भी यहाँ पे कंपटीशन होता है तो प्रोडक्ट फाइन होके निकलती है वहाँ से जो है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल समद, सीईओ अर्रिजाल. आज हमारी ओपनिंग है जमजमा लेन 6 में. हम लोगों ने एक अपना सेकंड आउटलेट खोला है. हमारा फर्स्ट आउटलेट 3 तलवार पे है और अल्हम्दुलिल्लाह मे गॉड ब्लेस अस. और इधर हम लोगों ने कंप्लीट मेंस वार्डरोब रखा हुआ है. एक रूफ के अंदर आपको शलवार कमीज से लेके सूटिंग तक एंड शर्ट्स, शेरवानीज एंड आपको शूज़, चप्पल्स, हर चीज़ एक डिज़ाइंड एंड क्लासी वे में आपको मिलेगी. जी तो जितने भी मर्द हजरात हैं वो अगर शॉपिंग करना चाहे, मैं अगर अपने मियाँ के लिए शॉपिंग करना कभी चाहूँगी तो मैं यहाँ पर जा सकती हूँ. अदरवाइज नो, देयर इज नो चांस. बट ऑल द मेन वॉचिंग आउट देयर, ऑल द बॉयज, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर स्टफ. सीम्स अमेजिंग, राइट? हाँ, काफी है ना. really अच्छा nice. आप ये बताएं कि कितनी ज्यादा फैशन को फॉलो करती हैं. I create my own fashion trends. Oh my god, I love this attitude. बिल्कुल. So I won't follow कि जी this is in trend this season तो ये जरूर करना है, लेकिन मुझे मालूम जरूर होता है कि क्या चीज किस वक्त हिप हुई हुई है. तो आप अपने आप को मेंटेन किस तरह से करती हैं? Like, do you diet or do you go to gym or stuff? I don't diet at all. मैं घर पे एक्सरसाइज करती हूँ. बॉडी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो होती है अपने ही बॉडी को इस्तेमाल करके ना, एज अ वेट और फिटनेस बॉल के साथ. खाने में ये कि बहुत ज्यादा शौकीन हूँ खाने की, लगता है बिल्कुल भी नहीं है, पता है ज्यादा. अच्छा, ये झूठ नहीं बोल रही क्योंकि हम दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना बिरयानी मंगवाई और हम शो के बाद बिरयानी खाने वाले हैं. बिरयानी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. खैर, मुझे आज बहुत मजा आया आपके साथ. थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. आज मैं पहली दफा इनसे मिली और यू नो शी इज अ लवली पर्सन इनसाइड आउट. कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस को? एब्सोल्युटली. देखिए, अगर जिंदगी में हम दो रूल्स लेके चले ना, हम हमेशा खुश रहेंगे. नो एक्सपेक्टेशंस एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. हमेशा शुक्राना अदा करें उन तमाम चीज़ों के लिए जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं,
और आप देखिएगा जिंदगी कितनी खुशगवार लगने लगेगी. लवली लवली. वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू माय शो. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरा शो देखते हैं. मैं आपसे मिलूंगी कल दोबारा 6 बजे ARY जिंदगी पर. देखना आप लोगों ने नहीं भूलना है, अपना फीडबैक देना भी नहीं भूलना. कल मिलूंगी, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.